लिखो, टाइप लगाओ अगला। कितना नंबर टाइप है? 15 नंबर लगाओ टाइप। क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब बता देंगे आप। लिखो 18वां क्वेश्चन है ना इसका। लिखो, एक व्यक्ति 10 रुपए में 100 टोपी खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 100 टोपी खरीदता है और 5 रुपए में 200 टोपी खरीदता है, और इनको इकट्ठा करके 5 रुपए में 200 टोपी खरीदता है और इनको इकट्ठा करके और इनको इकट्ठा करके 1 रुपए में 40 की दर से बेच देता है। चार लिखा हो क्या? चलो, 1 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 है। ठीक है। हाँ, 1 रुपए में 4 की दर से बेच देता। बेच दिया तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करना है ध्यान रखना। पहले पहले पॉपकॉर्न दिए थे इनको। टाइप नंबर 15। इसमें क्या करना है देखो, 1 रुपए में कितना बेचता है टोपी? 10 रुपए में, 10 रुपए में 100, 5 रुपए में। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले टोपी बराबर करनी है। टोपी, नींबू, आम, जो भी रहे उसको बराबर करना है। तो इसको किया इंटू 2, तो कितना हो गया? 20, 200, 5, 200। बराबर होने के बाद जोड़ना इनको। 25 रुपए में 400 टोपी वो खरीद रहा है, तो 1 रुपए में कितनी टोपी खरीदेगा? 400 बटा 25 कितना हो गया? 16। तो वो 1 रुपए में 16 टोपी खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है? 16। ये इसके खरीदने का सिस्टम है, खरीदने का। और बेच किस हिसाब से रहा है? 1 रुपए में 4 है वो बेच रहा है, ये उसके बेचने का सिस्टम है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यदि आप 1 रुपए में 16 खरीदते हो और बेचते वक्त आप क्या करते हो? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 आएगा। यदि आप खरीदते हो तब आप 1 रुपए में 16 लेके आते हो, और वापस जब आप 4 बेचते हो ना, तो भी आपको किसका लाभ हो जाता है? 16 का। समझ में आई बात? सॉरी, 1 रुपए में 4 बेचते हो तब तक आपको 1 रुपया मिल जाता है, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। भाई लिया जाना तो 1 रुपया में 16 ले रहा यार। हेर पाची देती टाइम बी मायनो 4 कार्ड बेची, हेर 1 रुपयो बन गो जन में लाडली 12 एजक बे थांग प्रॉपर्टी है जन, ओ 12 थांग को काई को प्रॉफिट। ठीक है, हेर नीचे काय लिखना? नीचे लिखनी है प्रेजेंट प्राइस, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो प्रेजेंट में चल रहा है 1 रुपए में 4, तो यहाँ पे ये 4 ये प्रेजेंट वाला यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 300% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ये इस, हाँ ये 300% है ना। नो दीजिए ना ऑप्शन, क्या लिखा हो इंग्लिश में? ये आप इसको ऐसे कर लो, देखो हिंदी में जैसे मैंने लिखा है ना हिंदी में, वैसे इसको ऐसे कर लो, हो जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं। करो आप, अभी मैं और करवाता हूँ।
और ऐसा क्वेश्चन तो ये एक ही था ना, और थोड़ी था मिक्स करके बेचने वाला, और नहीं था। अब मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, वो लिख लेना, ये इसमें एक ही जे ऐसा बोले क्या ना मेरा। ऐसे सिखा दूं कि एक ऐसा इसमें दिया भाई नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। एक वो एलिगेशन वाली टाइप कर ली क्या अपने, एलिगेशन वाली आ गई। ठीक है रुको, और तो अभी रुको रुको, कल ठीक है 11 बजे है आपको टपकना है 11 बजे। आज आपको एक अच्छी खुशी की चीज बताता हूँ, है ना। मैंने ऐसे, मेरे काफी लंबे समय से था ऐसे, मेरे पास खुद का एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिस पर मैंने खुद ने अपना ना मतलब अपना कोर्स लॉन्च कर रखा है, ठीक है ना, ऐसे खुद का बनाया। तो भी मेरी काफी लंबे टाइम से ऐसे मेरी इच्छा थी खुद की कि कोई ऐसे कोई ऐप हो जिसके बहुत सारे डाउनलोड हो, ठीक है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हों। जैसे हमारे प्रैक्टिस बुक है, इन प्रैक्टिस बुक वालों की बुक चलती है मार्केट, बुक आती है, ठीक है ना। अगला मेरा वापस बर्थडे आएगा ना, तब तक अपनी खुद की है ना प्रैक्टिस बुक के बैनर से या कहीं से भी हो, अपने खुद के नाम के जिसमें लेखक में मेरा नाम होगा, अपनी खुद की बुक आएगी मैथ की, ठीक है ना, जिसमें 36 टॉपिक रहेंगे, 2 वॉल्यूम बनाएंगे, एक अर्थमेटिक का बनाएंगे, एक एडवांस मैथमेटिक्स का बनाएंगे, है ना। तो उसका पहले बनाएंगे, पहले उसका पूरा ग्राफिक्स वगैरह सारा डिजाइन होगा, उसके बाद आएगी पेन ड्राइव में आएगी अपने पास, पूरा अपन पूरा लिख के देंगे रजिस्टर में, ठीक है ना, और फिर वो टाइप होके आएगी। उसके बाद में अपन उसका पहले प्रिंटर निकालेंगे, 5-7 प्रिंट निकालेंगे, और फिर अपन अपन कोचिंग कोचिंग वाले ना उसको बैठ के पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग पढ़ना उसको, जितनी भी उसमें एरर हो त्रुटियाँ हो वो बताना, क्योंकि यार पेपर बनाते हैं तो भी छोटी मोटी गलती तो हो जाती है, अभी आपके टाइप होके आता है इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो हमें ही पता है। हम मंडे से ही लगे हुए रहते हैं तब आपके संडे को पेपर मिलता है, अभी हम कल फ्री हुए हैं और कल आपका टेस्ट है, मंडे से फिर लग जाएंगे, तो बुक में काफ़ी टाइम लगेगा। तो 1-2 महीने अपन प्रूफ रीडिंग करेंगे, उसमें जितनी गलतियां रहेगी एरर हटा के उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो मेरा ऐसा सोचा है कि अगला जो मेरा बर्थडे है ना, उस बर्थडे पे वो लॉन्च हो जाए, ठीक है ना, बुक, तो फिर अपनी बुक आ जाएगी। तो हाल फिलहाल मेरे ऐसे सोचा हुआ था कि अपना भी कहीं पर ऐसे कोर्स आए, ऐसे मेरा सोचा हुआ था, ठीक है। तो हम कोर्स बना रहे थे काफ़ी दिनों से, ठीक है, बाद में नेट की प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, तो ऐसा करके फाइनली आज सुबह 10-11 बजे अपना कोर्स लॉन्च हुआ, ठीक है ना। तो उस कोर्स की मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, बहुत मस्त लगेगा। मैंने कॉलेज में बैठ कर पहले जी भर के देखा, मैंने कहा ऐसा दिखेगा ये, ऐसा ऐसा एक प्रैक्टिस बुक का ऐप है, आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसा ऐप रहेगा आप वाले में तो और अच्छा लगेगा, हमारे क्या बुजुर्ग मोबाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये प्रैक्टिस बुक का ऐप है, ऐसे खुलेगा, इसके मतलब 42-43 हज़ार स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके यूज करते हैं अभी वर्तमान में। अब इसमें जैसे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑल कोर्स है, इस ऑल कोर्स में जाओगे ना, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये, दिखाई दिया। अब देखो इसके ऊपर आप क्लिक करना है, ये देखिए पूरा ऐसा एकदम, आप खुद देख सकते हो ऐप डाउनलोड कर। आज सुबह से ये सेलिंग में चल रहा है, अभी ये कोर्स सेल हो रहा है ऐसा। ये काफी लंबे टाइम से मेरी इच्छा थी कि ऐसा दिखाई दे, कुछ ऐसा हो, फिर इससे नीचे ज्वाइन करे तो यहाँ पे परचेज करने वाला सिस्टम आए। तो ये 699 मतलब 700 रुपये का है, तो ये लॉन्च हुआ सिर्फ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का है ऐसे, और भी चल रहे हैं नीचे विश्व भूगोल और पॉलिटी ऐसे कोर्स आए। चलिए ये हो गया, ये लिख दिया। अब अपन आगे कुछ और क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना, चलो एक लिखो।
एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 नींबू खरीदता है, 3 रुपए में 4 नींबू खरीदता है, और 2 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, 3 रुपए में 4 नींबू खरीदता है और 2 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, 3 रुपए में 4 नींबू खरीदता है और 2 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, और दोनों को मिक्स करके, और दोनों को मिक्स करके, और दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके 1 रुपए में 3 नींबू की दर से, और दोनों को मिक्स करके 1 रुपए में 3 नींबू की दर से, पानी है यार, पानी है ही नहीं, थोड़ा सा है उधर मेरा से लगन होगी, और दोनों को मिक्स करके, वाह महेंद्र जी भगवान का लोग, और दोनों को मिक्स करके 1 रुपए में 3 नींबू की दर से बेच देता है, दोनों को मिक्स करके 1 रुपए में 3 नींबू की दर से बेच देता है, तो होने वाला लाभ ओब्लिग हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो होने वाला लाभ ओब्लिग हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो काट लो पहले, कैलकुलेटर चालू करियो, कोने आ तो करो, बंद करो बंद करो, बाद में वही कौन था कौन पड़े कि भाई भाग टूटियो जो पॉइंट लगाऊं जीरो लगाऊं, हैं कौन शेख तैयारी करो कैलकुलेटर सिर्फ एक बीएससी फाइनल ईयर में पेपर हुए न्यूमेरिकल एनालिसिस को बीम दिया करे क्या जो बाद में एमएससी में दे पहले कटी कैलकुलेटर को नहीं हो रहा हाँ पॉइंट्स में भले ही होता क्या पहले दे बताओ लाभ हो रहा है हानि हो रही है कितनी हानि हो रही है देखिए ये कैसे है अभी ठीक हाँ हाँ सर अभी देखते हैं अभी निकालते हैं देखिए 1 रुपए में कितने नींबू खरीदता है भाई पहले 3 रुपए में फिर 2 रुपए में 5 इनको बराबर करना है नींबू को तो इंटू 5 इंटू 4 तो देखो 5 थी इधर रुपए इधर ये हो गए 20 इधर हो गए 4 2 8 और इधर कितना हो गए 8 करो 15 8 23 रुपए में तो 1 रुपए में कितना नींबू आएगा 40/23 कितना आया 1.73 बबीता फुल एक्यूरेट कर देना अब देखो ये तो खरीदने का सिस्टम है ये किसका सिस्टम है खरीदने का अब बेचने का सिस्टम क्या है वो यहां पे देखेंगे बेचने का किस रेट से बेच रहा है 1 रुपए में 3 नींबू तो आप एक चीज नोटिस करो कि 1.73 नींबू ही खरीद के लाता है और बेच कितने रहा है 3
तो मतलब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखना, 10 में से 3 गए 7, 9 में 7 2 और 1.27। तो ये 1.27 नींबू है वो अपने घर से ऐड कर रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, हानि। तो हानि प्रतिशत कैसे लिखा लोगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बटा प्रेजेंट, प्रेजेंट आएगा और इनटू 100। अब देखना, अब लॉस कितना है, 1.27 का लॉस है, प्रेजेंट में क्या है, एक रुपए में 3 नींबू और इनटू, तो पॉइंट गया, इसको काटेगा कितना जाएगा, 42.33% का लॉस। अब 2% बता दिया, अब तो ऐसे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इनको देखो, वो एक रुपए में नींबू लेके आया 1.73, ऐसे समझ लो कि जस्ट सपोज 2 नींबू लाया और वापस बेच रहा है 1 रुपए में 3 नींबू, तो 1 नींबू घर से ऐड करना पड़ रहा है, यही इसमें खास बात है। चलो ऐसे कर लोगे, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखना एक सेकंड, ये हो गया, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप नहीं, टाइप लगाओ अगले, टाइप नंबर 16। आप पहले उसका मैं थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा आपको, टाइप नंबर 16 करवा देते और उसके बाद में लगा देना विविध प्रकार के प्रश्न, फिर उसमें दमादम आएंगे जच्चे जैसे, ठीक है ना, तो वो आप करते जाना। टाइप नंबर 16 बहुत है, उसके बाद में आगे टाइप करवाने पर आपके लग जाती है नजर कि इतने टाइप करवा दिया आपको, है ना, हाईएस्ट इतने ही करवाते हैं, 12-13 करवाते हैं, अपन ने 16 करवा दी तो फिर ठीक है, फिर आगे प्रश्न में ले लेंगे। एक आपका क्वेश्चन है ना, इसमें लिखिए, क्या को बेसिक, अच्छा फिर बेसिक, देखो जैसे मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है आपका जो एसपी ज्यादा है और सीपी, ये बात तो आप समझ रहे हो ना, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब जब आपको प्रॉफिट होता है उस कंडीशन में आपका एसपी ज्यादा रहता है और आपका सीपी कम, मतलब आप कम रुपयों में खरीदते हो और ज्यादा रुपयों में, तब आपको क्या होता है, और मान लो यदि आपको लॉस हो रहा है तो वो होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब उस समय आप ज्यादा रुपए में खरीदते हो और कम रुपए में, तो ये उसका क्या हो गया, बेसिक। अब मैं आपको यहां पर एक चीज उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, ठीक है, कि 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, 500 रुपए में बेचने पर होने वाला, तो 500 रुपए में बेचा मतलब एसपी कितना है 500 और सीपी हमको पता ही नहीं है, सीपी हमको पता ही नहीं, तो 500 रुपए में होने वाला लाभ मैंने एकदम सही लिखा ना, सीपी पता नहीं है मुझे, 500 रुपए में होने वाला लाभ 300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो 300 रुपए में यदि हानि होगी, 300 रुपए में बेचने पर मतलब एसपी कितना है 300, सीपी मुझे पता नहीं और मुझे क्या हो रही है हानि, मैंने एकदम बराबर सही लिखा ना। अब देखना वो बोलेगा क्या, वो बोलेगा कि 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, मतलब ये लाभ और हानि क्या है बराबर है, देन आप क्या कैलकुलेट करो, सीपी कैलकुलेट करो। तो देखो अब आप देखो ये प्रॉफिट और ये लॉस बराबर है, तो देखो इसको ऐसे लिख दूं, 500 माइनस सीपी बराबर है सीपी माइनस 300, तो ये 300 इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस 300 बराबर सीपी प्लस सीपी,
तो ये कितनी हो जाएगी, 2 सीपी, और इधर कितना हो जाएगा 800। तो सीपी बराबर कितना आ गया, 800 बटे 2 400। बात समझ में आई क्या? तो कंसेप्ट तो है ये, अभी मैं 2-4% कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिखना कंसेप्ट, कंसेप्ट लिख के ये दोनों लिख देना, उसके बाद इसका पर्सन लिखाऊंगा, फिर आप ये नोट करना, फिर आगे की यात्रा पर। हाँ वो एक क्वेश्चन है ना आप जो पूछ रहे थे वो इसमें आता है। मंडे को इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ना, मंडे को कुछ थोड़ा बहुत और करेंगे फिर कंप्लीट हो गए। इसका एक टाइप चूक रहा है अभी, है ना, एक आध टाइप और करवा दूंगा फिर। क्वेश्चन में डाल दें, करवा देंगे करवा देंगे। आप लगाओ कंसेप्ट, लगाओ कंसेप्ट, लग अगला टाइम एंड वर्क करवाएंगे। है ना, एक बीच में नंबर सिस्टम भी करवाना है, वो जगह देख कर कहीं कहीं करवाएंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अभी नया बेच स्टार्ट है ना पशु परिचर में, दवाणाम करवी को नहीं आ। लिखो ये कंसेप्ट लिखो, क्या हो गया, लिख दिया कंसेप्ट लिख दिया, क्वेश्चन लिखो, अभी लिख रहे हैं। आज वो नहीं है ना, दो तो एक मीनाक्षी नहीं है, दो वो नहीं है, तीन तो पांच हो जाते 25। हाँ एक कल परसों तक एक एडमिशन और आ जाएगा, एक रोल्स आएंगे, परसों कंपाउंडर है, हाँ वो बाटी आएंगे, दावांग डॉक्टर है प्राइवेट, बे क्यों मांग, परसों वालों तैयार है, जीके जीके ही पढ़ना, कोई डीप बीमारी रहे कि बहन पूछ लीजिए फर्स्ट वांग। मांगे की स्टूडेंट है, मांग गाँव का जगह पहले मट बे चाल तो नहीं दे मा बैंक वेटनरी कर रही है, बे पशु आगे इंजेक्शन सुइयार देंतार घूम रहे कंपाउंडर है, तो बे पशु परिचर की तैयारी करना है, बे क्यों मार पार्ट बी तो तैयार है पशु वालो पढ़नी तो खाली जीके, क्यों जीके में क्यों मन मेन मैथ पढ़नी है, जीके फिर बे तैयारी करी वेटनरी एग्जाम पढ़ ली बे आए जन कहूँ था पार्ट बी मान कोई डीप बीमारी रहे नहीं बा बहन पूछ ली, एक था डॉक्टर जी हाथ पशु लिखो, घर कोई कुत्तो पाले उड़े दवाई लेनी है तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो 500 रुपए में किसी वस्तु को, 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ, 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ, 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ 300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, 500 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, होने वाली हानि के बराबर है, तो इसको थोड़ा और आगे चला दूंगी प्रश्न को, तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, एक सेकंड रुको, हाँ तो होने वाला लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, और हानि हो तो हानि प्रतिशत भी, ठीक है ना, होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख लिया ना। अब देखो ये कितना इजी मामला है, देखो सीपी तो कैलकुलेट करना आपको आ गया, ये सीपी कैलकुलेट है, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इनटू, सो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो यहां पर सीपी की जगह रखो 400 रखो, तो कितना आ गया प्रॉफिट 100, सीपी कितना है 400 इनटू 100, तो ये इसको 20 कट गया, ये इसका 25, तो 25% का क्या आ गया, ये लिख लो नीचे वाला पूरा ही, हम्म,
अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए आपको 2-3 मिनट दूंगा, तो आप उसको ट्राई करना है ना, बहुत इजी। आपको एक बार थोड़ा सा लॉजिक पकड़ में समझ में आ जाएगा ना, बाद में आपका पूरा मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस पर थोड़ा मेहनत करना, कल टेस्ट है तो आज नाइट में स्टडी करना, ठीक है, तो फिर अच्छा हो जाएगा, मजबूत। लिखिए लिखिए एक वस्तु को, अच्छा लिख रहे हो क्या, हाँ ये नोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल स्पीड है वो साइंस वालों के एक और रीडिंग सेट है, हमारे वाले वो बहुत ज्यादा स्पीड से लिखते। बैंक लिखेड़ो बे नहीं समझ में आवे, पर बे मतलब यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि साइंस माइन आधी आधी ज्यादा इंग्लिश रहे पूरी माइन, तो बैंक शॉर्ट लैंग्वेज है, खुद की स्पीड है, बहुत स्पीड से लिखते हैं, बहुत ज्यादा। लिखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, फिर आप बीए में कॉपियां कैसे भरते हो? अच्छा लिखा लिखा, ठंड रखो, कर लिया। लिखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को, लड़कियां वास्तव में सेल्फिश, एक लिख ले ना तो भी नहीं लागे कि हटके करो है क्यों नहीं, लड़का मान बोले एक क्वेश्चन लिखा 5 बजाए दे के कहा इसमें ठीक क्या ठीक चलो जी बैठ। लड़कियां मान बोले एक लाड़ी लिखती रहे ना हाथ आड़े तो ही बाहर बैठी बैठी गए आग लो सर, क्यों फिर खुद के हुई गो, समझ आई बात, मारी तो काटी सही फेमी है ना। 2018 में स्टार्ट करियो यार, हाल तो लड़कियां नहीं लड़कियां पढ़ो भगो, 5 साल हम गर्ल्स में ही गर्ल्स में पॉइंट पॉइंट रग रग ठाया गया, अगली बार कहीं बोली बात थोड़ा क्यों बोलू बोलू करे ना, जितने मन ठा रहे आटे बोली ठीक है, क्यों सुबह में ले शाम में वही काम है। पहले पहले 1 साल हमने कौन ठा पड़ी, 1 साल मन घने डोका चलाया था, गेलो गेलो बनाया, क्यों मन बिल्कुल समझ में आया, हमारे गर्ल्स साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वीक ही, जहाँ समझ लो जहाँ कोई 2 ब्रदर सिस्टर है, यदि आपके कोई छोटी बहन भी है या बड़ी बहन है आपके मतलब जीजी वगैरह है आपके, तो थंग गर्ल्स साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रही कि भाई लड़कियां कहाँ ऐसे वो रिएक्ट करें, मैं 2 भाई या मांगवा पहले में वीक ही मान बस जानता इसी तो गर्ल्स में पढ़ाई बी एस सी होता है, तो 1 साल तो कहीं ठाकुर पड़ी, 1 साल मैंने समझ में बनाया मैं है कहीं, हाँ 1 साल घने गए बढ़ाए अब कौन बना। लिखो लिखो, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। लिखो मेघराज, लिखो मेघराज को, है 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 40% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य कितना होगा? ये 20वां सवाल है आपकी सीट में, निकालो। अब आर देखिए जो बार आए, अब आर सब हुई, चलिए देखिए, प्रश्न क्या था, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 900 पर बेचने पर लाभ हुआ, लाभ होता है तो एसपी ज्यादा, एसपी माइनस सीपी, होने वाला लाभ 600 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। अब यह तो मैंने पूरा कंसेप्ट से बताया, यदि आपको ट्रिक से बताते हैं तब वो क्या कहते हैं पता है आपको, तो आपको कई कई यूट्यूब पर मिलेगा, वो बोलेंगे कि 900 में बेचने पर होने वाला लाभ
600 में बेचने पर होने वाली हानि, तो 900 600 को जोड़ के दो का भाग दे दो, आपको मिल जाएगा सीपी। ऐसे बोलेंगे, वो तो वही रहा है ना, 900 600 जोड़ के दो का भाग ही दे रहे, तो 900 600 1500, और 1500 में दो का भाग दिया 750, 1500 का था 750, तो 750 आपका क्या गया सीपी। तो अब ये बोल रहा है आगे प्रश्न में बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचे कि उससे 40% का क्या हो लाभ। तो आपको पता है कोई वस्तु 100 में खरीदते हैं, 40% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने में बेचते हैं। पर्सन कह रहा है कि मेरे सीपी 750 है, अपना सीपी कितना है, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो 20 से 20 कट, तो 75 × 14 कितने हो जाएंगे, 520 का 0 असल की 2, 28 × 2 = 30, 5 × 35 = 5, 3 1050। तो 1050 आपका क्या गया, 1050 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके कितना प्रॉफिट होगा। अब ध्यान रखो, मैं थोड़ा टाइम और बचा दे कि इतना रुपया में बेचे जन होनाड़ो लाभ, इतना रुपया में बेचे जन होनाड़ी हानि, तो मैं दोनों जोड़ फिर दो को भाग दे देना, तो सीधी कहीं आ जावे। हाँ, दो का भाग फिक्स है, जन थान कहीं प्राप्त हो जी सीपी। अब कर ले हो, सीपी के नीचे सीपी लिखनो, तो सीपी पर्सन में जितनी सीपी आई है भी नीचे बटम कहा लिखो 100। आग लो के 20% आनी चाहिए तो गुणा कर देना 80, अगला बोलता है 40% लाभ चाहिए तो गुणा 100। नेक्स्ट लिखो कौन सा लास्ट में, मैंने बोला कि अपना सीपी हमेशा 100 रहता है, आवाज नहीं, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, तो कितने में बेचना पड़ेगा। वो तो कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला 900 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, तो आप ऐसे लिखना 900, फिर के 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो ये कितना हो गया 600 में बेचने वाली हानि के बराबर, बट्टा दो करोगे तो आपको क्या मिलेगा। लिखो एक बार पूरा प्रोसेस से बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, यदि पहले ही पर्सन में बोल देता कि सीधा बट्टा दो करना, तो आपको हरदम याद रखना पड़ता कि बट्टा दो क्यों होता है ना, मतलब होता है होता है। अब मैंने रीजन बता दिया एसपी माइनस सीपी वाला, तो फंडा क्लियर है कि इसी वजह से होता है। लिखो लिखो किसी वस्तु को ना इसी टाइप में लिखना है, अभी मैंने जो पर्सन लिखा है वो आपका सीट में 20वां क्वेश्चन था, साथ साथ सीट भी सोल हो रही है। मैंने बोला ना कल मैं आपको क्वेश्चन बता नहीं रहा था, मैंने कहा था कि ये आपके अलग टाइप में, इसलिए बताया नहीं। अगला लिखो लिखो किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर, हाँ 448, उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, होने वाली हानि के बराबर है, तो बताइए, तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचे कि 50% का प्रॉफिट हो, तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचे कि 50% का प्रॉफिट हो। ये अपनी टाइप नंबर 17 चल रही है ना, बिल्कुल। ये सीट में से मैंने 19वां और 20वां दोनों करा दी, 960। कहाँ है सुरेंद्र जी? ये हो गया भाई, हो गया, कितना है 960 आएगा। कल पेपर आप बहुत ही तसल्ली से आराम से देना है ना,
एक एक पर्सन और करोगे ऐसा उसमें से दें, आज देंगे अभी। देखी क्या उस बुक को आज दिन में? देखा अभी बताएंगे, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ लेना उधर, इंग्लिश मीडियम है पूरी, हिंदी का के ही नहीं है अंदर। हाँ पता ही नहीं था, देखो देखो। हाँ लाया तो मैं सबके लिए था, ठीक है ले, हिंदी करके कर सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन है ना ऐसे, मैं मेरे पास एक है, इंग्लिश में अच्छा लगता है, इंग्लिश मस्त है। हाँ क्या भाई आ गया 960 इर्ची बिर्ची, सत श्री अकाल, नहीं पीछे आ गया इधर अनुराधा कोमल, ठीक है एक एक और कर लो ऐसा, उसके बाद में अपन विविध प्रकार के प्रश्न करेंगे। लिखो किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, होने वाली हानि के बराबर है, तो बताइए वह उस वस्तु को, तो बताइए वह उस वस्तु को, ऐसे अपन इसमें चेंज करने को भी और कर सकते हैं, तो बताइए वह उस वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ा कर अंकित करे कि इतना लाभ हो जाए, है ना, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो बताइए उस वस्तु को वे कितने में बेचे कि उसे 40% का प्रॉफिट हो, है ना, ₹1400 है ना। अब इससे ज्यादा लेवल का पूछता नहीं है, वरना मैं बताऊं ना वो कितना बढ़ाकर लगाए, वो उसमें क्या होता है इस टाइप को, और एक वो डिस्काउंट वाली टाइप करवाई ना मैंने, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट इनटू 100, जिससे एमपी कैलकुलेट होता है, इस टाइप को और उस टाइप को मिक्स कर दिया जाता है। वो नीचे होता है साइड में होके भी रेड करते हैं नीचे, ये तो गणो अपन, ये तो पूछ में जाए पशु परिचर में पूछन का ही है, देखो ना बहुत बढ़िया तरीका है। चलो अब हेडिंग लगाओ विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न, ये लो विविध प्रकार के प्रश्न। ये किसने कॉल किया रे, एक सेकंड रुकना, विविध प्रकार के प्रश्न लिख दिया। हेलो कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा बाद में करते हैं, ओके ओके बाद में करते हैं। लिखो आप क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन है आपके, अच्छा सा एक क्वेश्चन लिखना, एक सेकंड। एक सेकंड रुको, नया टाइप ही लगाओ आप, नया टाइप लगाने बिना पकड़ में नहीं आएगा, काफी अलग है। अच्छा विविध प्रकार के लिख दिया क्या पर्सन? अरे यार पहले एक दो क्वेश्चन कर लो आप, चलो एसएससी के दो चार क्वेश्चन करवाते हैं, अभी टाइम है ना,
ये क्वेश्चन और भी शानदार। लिखो लिखो, एक विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला, एक विक्रेता किसी स्कूटर को 46,000 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ लॉस होता है। 46,000 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है? 46,000, 46,000 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ लॉस होता है। और यदि वह इसे, और यदि वह इसे 58,000 रुपए में बेचता है, यदि वह इसे 58,000, पेन देना एक मिनट मुझे ना, अगर कोई भी आओ बिगड़ जाए बीच में। यदि वह इसे 58,000 रुपए में बेचता है तो इसे कुछ क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। यदि 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 होने वाला लाभ हानि का दुगुना है, यदि होने वाला लाभ हानि का दुगुना है तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018, ऊपर लिख लो एसएससी सीजीएल 2018, सीजीएल 2018 का सवाल। आपको बता दूं ये वाला टाइप ही लगेगा, लेकिन इसमें पूरा ढंग से करना। 48,000 रुपए में बेचने पर 46,000, लेकिन पूरा करना मेथड से, एसपी माइनस सीपी लिख के पूरा करना डिटेल से, तब होगा। मैं थाने बता दियो छोटी छोटी ट्रिक का, किसका सर ऑप्शन 52,54,48,50,000, 52,54,48,50,000। मैदान में ई खातरी कोई ट्रिक कौन सी को, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते हैं। अब प्रॉफिट बराबर क्या है? 2 × लॉस, तो पहले प्रॉफिट लिखो फिर लॉस लिखो फिर होगा ये। लगता है कि हम इसको कर पाएंगे? क्या उम्मीद है आपको अपने से? टप्पू मिले आपको? रोज मिलते हैं आपको? भी मिले यो मिल, कहाँ मिले आपको? कहाँ मिलते हैं? कब? क्या बात करते हो? देखो ऑप्शन में नहीं है, 50 बोला ना यार, 50 है मेरे, है 50,000, 52 है, 54 है, 48 है, 50 है। देखिए 46,000 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ ना कुछ क्या होती है? लॉस, लॉस होता है। और ये यदि उसे 58,000 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है? प्रॉफिट। और होने वाला प्रॉफिट लॉस का दुगुना है, तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखो 58,000 माइनस सीपी बराबर 2 × लॉस कितना है? सीपी माइनस 46,000, तो ये कितना हो गया? 58,000 माइनस सीपी बराबर 2 CP माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका? 92,000, 92,000 इधर लाओ, 58,000 प्लस 92,000, 2 CP तो इधर है, एक इधर गया, कितना हो जाएगा? 3 CP। तो ये और ये 60, 9, 1.5 लाख बटा 3 CP, तो CP बराबर कितना हो गया? 1.5 लाख में 3 का भाग देना है तो 50,000 आएगा, बस सीधा दिखाई दे रहा है, तो CP 50,000 है। अब आगे भी पर्सन को और बढ़ा दे के तो बताइए वो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, कर सकते हो? ये तो इतना ही है, मतलब बढ़ा सकता है अगला। लेटेस्ट दूं क्या क्वेश्चन?
अगला लिखिए बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये देता हूं। ये अगला क्वेश्चन है वो सी एच एस एल में आया हुआ है, SSC CHSL 2019 में। लिखो लिखो, एक आदमी ₹6,000 में तीन वस्तुएं खरीदता है, ऐसे लिखो, एक आदमी तीन वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक वस्तु 6,000 की, ऐसे लिखना, थोड़ा सा थोड़ा चेंज है, एक सेकंड, कोई बात नहीं, लिख दो। एक आदमी तीन वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक वस्तु कितने की है? 6,000 की है, प्रत्येक वस्तु 6,000 की है। यदि पहली वस्तु पर 15% का प्रॉफिट होता है, पहली वस्तु पर 15% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरी वस्तु पर 12% का प्रॉफिट होता है, तथा तीसरी वस्तु पर 15% का लॉस होता है, तो बताइए। हाँ, लॉस होता है, तो बताइए कि उसे ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये आपको बता, ये SSC CHSL में आया था 2019 में। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऑप्शन दो, 4% प्रॉफिट, 4% लॉस, 4% प्रॉफिट, बिल्कुल सही। देखो टेंशन नहीं लेनी है, तीन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 6,000 की, तो बताओ इन तीनों का टोटल सीपी कितना हो गया? 18,000 आपका क्या है? पहली वस्तु पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15%, तो इसका 15% निकालो, कितना आ रहा है? 900, ये इसका प्रॉफिट है P1। इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 12% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 720। इस पर क्या हो रहा है? 15% लॉस है, तो इसका 15% होता है 900, तो ये P3 नहीं है, ये L1 है, लॉस, पहला लॉस है, कितने का है? 900, राइट। अब एक चीज सोचना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 900 का प्रॉफिट हुआ, तो देखो 900 का प्रॉफिट, 720 का प्रॉफिट और वापस 900 का घाटा, तो तीनों को मिलाकर ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया? 720 का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट यहां लिख दो कितना आ गया, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इनटू 100, तो 720 बटा 18,000 इनटू 1 2 3 4% प्रॉफिट, कितना इजी था। बस वो क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देगा, तो आपको उसमें थोड़ा मजबूत रहना है।
आपको पता है कि टोटल परसेंट प्रॉफिट और टोटल सीपी, बस मस्त क्वेश्चन है एकदम। एक टाइप लगाओगे क्या अभी? देखो टाइम है थोड़ा बहुत, करते हैं एक टाइप और कर देते हैं। टाइप लगा दी, टाइप नंबर लगाओ 17। टाइप नंबर 17 में लिखो लिखो एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपए, अंकित मूल्य 600 रुपए, अंकित मूल्य 600 रुपए। एक दुकानदार दो कर्मिक छूट देता है, एक दुकानदार दो कर्मिक छूट देता है। बार सब पता लगा देते, मैं बोलू जी लिखे रखो। अरे यार, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपए है, एक दुकानदार दो कर्मिक छूट देता है, मतलब कंटिन्यू दो छूट देता है, एक दुकानदार दो कर्मिक छूट देता है और 459 रुपए में घड़ी को बेच देता है। 459। हाँ हाँ हाँ, एक दुकानदार दो कर्मिक छूट देता है और 459 रुपए में घड़ी को क्या करता है, बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत है? अब देखो और बात सुन लीजिए, पहले अब यार मैदान शॉपिंग करने सीखूं। पहले देखो देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जगितान पहले ध्यान सुननी, फिर इन क्वेश्चन ने करण को निरर्थक प्रयास नहीं करना। देखो सुनो मारी बात, ध्यान आपा कटे जावाना चना अंठा यान भी मैं डंडो रोकियोडो रेवे क्यों में यान ऊपर यान लिखियोडो रेवे पस भी मात लिखियोडो रेवे 30% प्लस 20% प्लस 40% छूट, यान छूट लिखियोडो रेवे थे खुश हो जाओगे 40, 37, 70, 20, 90% छूट है। ये 90% नहीं होता है, ये बताया ना मैंने आपको, एक बार बता रखा है ना, तो ये सेम परसेंट वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कोई 100 रुपए की चीज है तो पहले उसने 30% की छूट दी मतलब, फिर उसने 20% की छूट दी मतलब, फिर उसने 40% की छूट दी मतलब, अब 1, 2, 3 और 4 तो 1, 2, 3, 4 एक से एक और कट तो कितना हो गया 8, 2, 7, 56 छप्पन इंटू छ कितना होता है 56 × 6 = 6, 6, 36, 6, 3, 3, 336 तो 336/10 तो कितना आ गया 33 point। तो कोई वस्तु शुरू में कितनी रहती है 100 और अब 33.6 आ गई मतलब कितना कम हो गया 4, 6 और 6 तो मतलब उस वस्तु पर कितनी छूट दे दी उसने 66.4%। समझ में आई बात? ये मामला होता है जब शॉपिंग करते हैं तब लिखा हुआ होता है ना, वो 90% छूट नहीं, वो 66% छूट है। अब देखना इसको बोलते हैं कर्मिक छूट मतलब लगातार। अब देखना कि इस पर्सन को अपन करेंगे कैसे, इस पर्सन को करेंगे ऐसे कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है 600। तो सीधा सीधा है कि पहले तो लिखना है, देखो इसका फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600। अब यहां पर पहली छूट आएगी, दूसरी छूट आएगी और उसके बाद फाइनली वो वस्तु को जितने रुपए में बेचता है वो आ जाएगा,
वो वस्तु को कितने में बेच रहा है? 459 में बेच रहा है। पहली छूट कितनी है? 10%। 10% छूट मतलब 90/100। और दूसरी छूट अपने को यहां पर x और बट्टे में 100। तो 2 जीरो से और 1 जीरो से 9×54 बट्टा 10 इंटू एक्स बराबर 459। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 459 इंटू 10/54। तो 54 से इसको करो, कितनी बार कट मारेगा ये? इसको करो, भाग दो, देख लो, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काटा 27 बार, 27 से कितनी बार हो रहा है देखो, 3 से कट कर दो ना, 3 से ये जाएगा आपका 153 बार, और 3 से जाएगा 9 बार, 17 जा रहा है क्या? ये 17 बार, तो कितना आ गया x बराबर? कितना आ गया? 85। अब आप खुद सोचो कि x की जगह यदि अपन 85 रखते हैं, इसका मतलब दूसरी छूट कितने परसेंट है? 15% छूट है। तो उसकी दूसरी छूट कितनी होगी? यहां पर मैंने 90 लिखा है, इसका मतलब मेरी पहली छूट कितनी थी? तो इस x की जगह में 85 लिखूंगा, इसकी इसका मतलब क्या है कि छूट कितनी है? तो दूसरी छूट ही पूछी है इसमें, तो दूसरी छूट कितनी है? 15%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि ये क्वेश्चन देता है थोड़ा सा अगला चाहे तो वो क्या कर दे कि एक ऑप्शन में लिख दे 85% छूट। फिर अपन एक्स को मान, उनको मतलब है उत्तर आनो, समझ में आई बात? आदा के भाई ओए रहे हो ना दिमाग में कि एक्स को मान आएगा मतलब उत्तर आएगा, वो सीधे 85 ठोक दे। ओ माइन मेन कंसेप्ट है, लिखो। क्या आया सुरेंद्र जी? ईयरफोन चार्जर है ना? तेवंग बड़ा हो देखो, है क्या नहीं? कल है टेस्ट, इम्तिहान की घड़ी आई है आपकी, हर 6 दिनों आदत होगी ना। और पैर मतलब चलिए अब ऐसे और पर्सन करेंगे। इस संडे जो गया टेस्ट उसमें किसका था टॉप? मोनू का था। कितना स्कोर था मोनू का? 114। फिर सेकंड आपका कितना स्कोर था? 100। और फिर थर्ड उनके कितना था स्कोर? थंग ये तो गैप क्या ने हगड़ान पॉइंट हमारा टंगियोड़ रहना चाहिए ऊपर लातीना नहीं थंग था। अच्छा पॉइंट्स में ही है ना, राइट। आप आगे कितों का स्कोर दो ही को नहीं 20-25 नंबर आते हैं मैथ मैथ का करते हैं। आप आगे कितना है? 76 अन्य इड़ची बिड़ची अंकिता 60 के आसपास ठीक आवे 60। अबार अबार आया हो नया नया हाँ हाँ जहाँ 610 पहली हाँ ओ हाँ फिर उसके आगे और देनी पड़ेगी फिर हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा। हाँ लंबा हो जाएगा नहीं छोड़ने पड़ेगा आप करके देख लो। हाँ नहीं नहीं समझ एक है 10% छूट दो 610% काट लिया तो बात चीज कितना क्योंकि हाँ क्यों यहाँ छूट दो हाँ मैं माइनस करे तो टेर बट लंबी हो जाएगा नहीं यहाँ कौन है यार एक अभी अगर 13.5 आ जाए कोई दो उत्तर थोड़ी आओ कोई मैं 15% आए। चलो इसको रोक दो रोको कितना 10